दिस इज हैशमा एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड इन टुडेस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिप फिलर्स। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी लिप फिलर्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, पूरी वर्ल्ड में इसके बारे में बात की जाती है, इवन लोग इसको अपने डेली रूटीन के अंदर लाने लग गए हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? तो जो लड़कियाँ अपनी लिप्स की शेप से अपनी लिप्स से सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको लगता है कि उनके लिप्स पतले हैं या शेप में नहीं है, तो वो इस प्रोसीजर को इंक्लूड करती हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मैंने काफ़ी लड़कियों का देखा है, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और उनके पास विजिट करके वो अपने लिप्स को इन्हांस कराती हैं, फुलर लिप्स बनाते हैं, प्लम्पर लिप्स बनाते हैं। तो ये फुलर लिप्स, प्लम्पर लिप्स, ये जो टर्म्स हैं ये सारी एसोसिएटेड हैं हमारे लिप्स से। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लड़कियों को ऐसे ऐसे करते हैं, या आपने कुछ लड़के का देखा होगा ऐसे करते हुए, तो वो एक्चुअली में नेचुरल तरीक़ों से अपने लिप्स को प्लम्पर बनाती हैं। प्लम्पर से मतलब होता है उभरा हुआ, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो ये सब करती हैं। उनको लगता है कि उनके लिप्स की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और उनके लिप्स जो है वो थोड़े थिक हो जाएंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे, तो इसलिए वो लोग इस चीज़ों को करती हैं। तो रादर देन डूइंग दिस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक होम मेड तरीका बताऊंगी जिससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, और अगर आप लोग डेली रूटीन में इसको शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिप्स नेचुरली ही थोड़ा सा शेप चेंज कर लेंगे। तो रादर देन आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप अपने लिप्स को इंजेक्ट कराएं जस्ट टू गेट दैट अट्रैक्टिव लिप्स। तो वाई नॉट ट्राई दिस नेचुरल होम रेमेडी, जिससे कि मुझे लगता है कि ये नेचुरली भी हो सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन टुडेज़ DIY फॉर मेकिंग फुलर लिप्स और एनलार्ज लिप्स और प्लम्पर लिप्स और ऑगमेंटेड लिप्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड बी रिक्वायरिंग टुडेज़ DIY: सिनेमन पाउडर, क्लोव ऑयल, and this is lip tint. If you haven't checked my lip tint DIY, which is the last video, you can go through that video to learn how to make lip tint or cheek tint. So cinnamon powder se mera matlab hai dalchini, clove se mera matlab hai long, aur ye dalchini maine pisi hai to ye uska powder hai, aur ye long jo hai iska ye oil hai. ये हम लोग अपने घर में रखते हैं वैसे के लिए। अगर आप लोग के पास में ये है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अपने घर पे क्लोव का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिप और चीक टिंट है, तो ये लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर अप्लाइंग व्हाट इज़ टू बी मेड इन टुडेज़ DIY। और अगर आप लोगों के पास में क्लोव ऑयल नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये लौंग को पीस के सिनेमन पाउडर में ही ऐड कर सकते हैं, और उसी के अंदर आप पैराशूट ऑयल थोड़ा सा डालकर उसे मिक्स करके उसे अपने लिप्स पर लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास में क्लोव ऑयल, क्लोव भी नहीं है, और आप लोगों के पास में है पेपरमिंट ऑयल, तो आप पेपरमिंट यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लौंग का तेल। वैसे तो आज मैं DIY करके दिखा दूँ आप लोगों को बिकॉज ये ट्रेंडिंग है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्या होता है कि आप लोग अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते हो और आप लोगों को ये सब आर्टिफिशियल जो टेक्निक्स हैं टू एनहांस योर लिप्स और व्हाटएवर, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है आपको। यार यू आर गॉड्स ओन क्रिएटिविटी, तो वाई आर यू स्पॉइलिंग दैट क्रिएटिविटी ऑफ गॉड? चलो वट एवर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम एडिंग क्लोव ऑयल टू सिनेमन पाउडर। नाउ आई वुड बी मिक्सिंग देम बोथ। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग नाउ। सो For 5 minutes, I would be applying this solution on my lips. While I applied this solution, it has already started reacting with my lips. So after 5 minutes, let's see what the result is going to be. So 1 minute have already passed, and let me share the experience with you. It has already started with a burning sensation, a little burning sensation, not very painful, but actually it is letting me know that I have applied something on my lips. So I'm giving you the honest reviews of this DIY. Rather than going for lip injections, you can, I think, tolerate this pain because it is like 0.1% of pain. Once you perform this DIY, I would suggest you not to put any dark lipsticks on your lips because it will automatically reduce the size of your lips. I mean, जब आप देखोगे तो वो आपको पतले ही लगेंगे फिर भी,
तो जब आप फिलर्स भी कराते हो तो उनको भी यही सजेस्ट किया जाता है। इनफैक्ट अभी जब मेरे लिप्स थोड़े से एनहांस ही हो जाएंगे तो उसके बाद में हम लोगों को या तो उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाना चाहिए या फिर मैट लिपस्टिक्स हो जो कि न्यूड शेड में हो, वो लिपस्टिक ही आपके लिप्स पे काम करेंगी और वो लिप्स को आपके एनहांस करेंगी। ब्राइट शेड्स कभी मत अप्लाई करना अगर आप लोग प्लम्पर लिप्स दिखाना चाहते हो या फिर थिकन्ड फुलर लिप्स दिखाने हैं आपको, तो उस केस में आप लोग सिर्फ ग्लॉसेस यूज़ करो या फिर न्यूड लिपस्टिक्स का यूज़ करो, क्योंकि उससे आपके लिप्स अच्छे दिखते हैं और थोड़े थिक दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राइटर शेड्स। तो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगी, सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग ब्राइट लिपस्टिक्स को अवॉइड करो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिप्स थोड़े से थिक दिखें। ये तो है एक नेचुरल DIY तरीका जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लिप फिलर्स का लुक देने के लिए अपने लिप्स को, या लिप प्लम्प लिप्स दिखाने के लिए आप ये DIY यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस यू वॉन्ट दिस इन मेकअप, तो आई विल बी पुटिंग अ ट्यूटोरियल वेरी सून ऑन दैट टू कि आप लोग मेकअप के थ्रू अपने लिप्स को प्लम्पर कैसे दिखा सकते हो। फाइव मिनट्स हैव ऑलरेडी पास्ड, लेट्स क्लीन दिस मेस फ्रॉम माई लिप्स। Next thing I would be doing is applying an ice cube. So I have a small piece of ice and I would be applying it on my lips so as to reduce that burning pain. Showing you the closest look of my lips. If you can see, these lines have swollen up after applying this and already thickened my lips. So this is what we have to achieve, and we have actually achieved it. Now I would be applying this lip tint I showed you in my last DIY. I'm giving a thin coating so that it works like a lip gloss. Have a look, girls. I think this is definitely a must try DIY. I will be sharing the pictures. So this ends with our today's session and I will be back very soon with next video of mine. Till then, goodbye, see ya, take care.